केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जो स्टैंड लिया है वही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। एनआरसी पूरे देश के लिए है और किसी भी भारतीय को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बांग्लादेशी है तो मुश्किल होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एनआरसी पर गृह मंत्री अमित शाह के स्टैंड को पार्टी का स्टैंड बताया है। उन्होंने आगे कहा कि एनआरसी पर भारत के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बांग्लादेशी है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। आइए एक बार फिर आपको फिर सुनाते हैं शहनवाज हुसैन ने क्या कहा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो स्टैंड लिया है वही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। एनआरसी पूरे देश के लिए है और किसी भी भारतीय को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बांग्लादेशी है तो मुश्किल होगी। शहनवाज हुसैन बिहार के सुपौल में पार्टी द्वारा आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम में बोल रहे थे। वही एनआरसी पर जेडीयू के एतराज जताने पर उन्होंने कहा कि हमारे जो गठबंधन दल है जरूरी नहीं है कि उनकी भी यही सोच हो, क्योंकि झंडा अलग है, पार्टी अलग है, उनकी अपनी विचारधारा है। हर मुद्दे पर सहयोगी दल की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात है कि बिहार का विकास होना चाहिए। कई दल हमसे सहयोगी हैं लेकिन हमारी विचारधारा और कई दल की विचारधारा अलग अलग है। नेता अलग है, झंडा अलग है, निशान अलग है। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर वो बीजेपी से सहमत हो, जरूरी नहीं है कि बीजेपी हर मुद्दे पर अपने सहयोगी से सहमत हो, लेकिन हम लोग एक बात पर सहमत हैं कि बिहार का विकास होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी एनआरसी पर बीजेपी की राय से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री किसी की कृपा से नहीं है, एनआरसी में किसी विशेष क्षेत्र की बात हो रही है, लेकिन अभी तक असम के एनआरसी के परिणामों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने बीजेपी को पूरे देश में एनआरसी कराने की चुनौती दे दी है। अब एनआरसी की बात हो रही है और एनआरसी में भी कुछ क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, साहेबगंज, राजमहल, यही कहा जा रहा है ना। तो आसाम की एनआरसी का जो परिणाम आया है वो तो अभी सार्वजनिक किए नहीं, वो करना चाहिए। बिहार की लोग बात क्यों करते हैं? देश की सुरक्षा से उस कम्युनिटी का, उस व्यक्ति का हाथ पैर कांपता है जो दो नंबरिया है। हम तो कह रहे हैं पूरे देश में ताल ठोक के करा लीजिए ना, लेकिन आसाम का जो रिजल्ट आया है वो भी देश के सामने रख दीजिए, देश जान जाए कि जहां कहते थे कि 60 लाख घुसपैठी ढूक गया है उसको खदेड़ कर दम लेंगे, तो 60 लाख में कितना घुसपैठी अब तक डिक्लियर हुआ, किस धर्म का हुआ, किस कंट्री का हुआ, देश को बताना चाहिए। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार में एनआरसी लागू नहीं करने की बात कही थी, जिस पर बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी ने उनकी प्रशंसा की थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनआरसी का मुद्दा धीरे धीरे गरमाने लगा है। जहां गठबंधन में सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू में इसको लेकर मतभेद है, तो वहीं आरजेडी ने एनआरसी का विरोध करने का ऐलान किया है। अब ये देखने वाली बात है कि एनआरसी से किसको कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।